सीक्रेट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडिबल कुकीज राखीज बनाएंगे। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकीज को बनाएंगे। कुकीज को बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मैदा, 75 ग्राम पिसी चीनी, 100 ग्राम बटर और घी, 20 ग्राम कॉर्नस्टार्च, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 5 से 6 चम्मच दूध। इसको सजाने के लिए हमें चाहिएगा डार्क चॉकलेट कंपाउंड, पाइनएप्पल चॉकलेट कंपाउंड, मक्खन, स्प्रिंकल्स, पाइनएप्पल और क्रैनबेरीज के छोटे छोटे टुकड़े। सबसे पहले हम एक बर्तन में अपना घी और मक्खन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम घी और 50 ग्राम मक्खन लिया और इसे खूब अच्छे से फेटेंगे जब तक कि मक्खन हमारा फ्लफी नहीं हो जाएगा। जब हमारा मक्खन अच्छे से फ्लफी हो जाएगा तो इसमें अपनी 75 ग्राम पिसी चीनी ऐड कर देंगे और इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि हमें चीनी और मक्खन को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आपस में मिक्स होके बिल्कुल मेल्ट हो जानी चाहिए चीनी। फैटते फैटते जो हमारी चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो एक फ्लफी सा बन जाएगा टेक्सचर इसका, जिस तरह से मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब इसमें अपनी 200 ग्राम मैदा धीरे धीरे हम दो बैच में ऐड करेंगे। हमें एक संग अपनी मैदा ऐड नहीं करनी है। जब इसमें अपनी मैदा को हम ऐड कर देंगे तो इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम दूसरे बैच की मैदा भी जब ऐड कर देंगे तो हमारा डो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, तो हम इसमें से विस्कर हटा देंगे। अब इस डो को हम हाथ की सहायता से नीट करेंगे। इसमें 20 ग्राम अपना कॉर्नस्टार्च डालेंगे और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका हम एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। यदि डो बनने में मुश्किल आ रही है तो हम धीरे धीरे करके इसमें मिल्क ऐड करते आएंगे। ध्यान रहे मिल्क हमें बहुत धीरे धीरे ऐड करना है। ये डो बहुत स्टिकी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी कुकीज बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगी। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा डो खिला खिला जा रहा है, ये अभी बाइंड नहीं हो रहा है, तो हम इसमें मिल्क की सहायता से इस डो को बाइंड करेंगे। ध्यान रहे इसे हमें आटे की तरह नहीं मारना है, बस इसे हमें इकट्ठा करना है। इस डो को इकट्ठा करने में मेरा 4 से 5 चम्मच मिल्क लगा है। फिर आप एक बटर पेपर ले लेंगे, उसमें अपना बटर लगा लेंगे और इस डो को एक सा करके इसमें हम रख देंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये स्टेप बहुत जरूरी है। हमारा जो डो है वो बहुत गर्म है और जब हम इसकी बिस्किट्स बेक करेंगे तो वो इतने अच्छे बेक नहीं होंगे, तो हमें इसे फ्रिज में रखकर उसके बाद ही हमें इनको बेक करना है। तो ये बहुत अच्छी टिप है, जब भी हम कुकीज बनाएं तो अपने डो को 15 से 20 मिनट के लिए हमें फ्रिज में सेट करने के लिए जरूर रखना चाहिए। अब ये डो हमारा थोड़ा सख्त हो गया है तो मैं पहले नाइफ की सहायता से इसकी कटिंग कर लूंगी, फिर इसको हम बेलेंगे। यदि हम इसे एक सार बेलेंगे तो ये डो आसानी से नहीं बेलेगा और इसकी लेयर्स भी खत्म हो जाएंगी। जिस तरह से मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है इसी तरह से हम इसको कट करके इसकी शेप तैयार करेंगे कुकी की, और एक अब हम जाली पर बटर पेपर लगा देंगे और उसपे अपनी कुकी सेट करते जाएंगे और इसे अब हम बेक होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए अपने ओवन में रख देंगे। ध्यान रहे हमें इसका टेम्परेचर 180 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। हमारी कुकीज को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कुकीज को उल्टा कर देंगे और इन्हें एक बार उल्टी तरफ से भी हम बेक करेंगे, जिससे कि हमारी कुकीज दोनों तरफ से अच्छे से बेक हो जाएं। हमारी कुकीज बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुकी हैं, ये बिल्कुल अंदर से कच्ची नहीं है। 7 से 8 मिनट बाद जब अपनी कुकीज को दोबारा से पलटेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी कुकीज बेक हो चुकी है, क्योंकि ये हार्ड हो जाएंगी। अब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे और इसके बाद ही हमें अपनी कुकीज को डेकोरेट करना है। हमें कुकीज का कलर बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी हमारी कुकीज पे कलर आता है और ये बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं। अब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही अपनी कुकीज को हम डेकोरेट करेंगे। अब सबसे पहले डेकोरेशन करने के लिए अपनी चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ले ली है एक बाउल में और एक में पाइनएप्पल का कंपाउंड चॉकलेट ले ली है। ये 25-25 ग्राम है, इसमें अपने 10 ग्राम बटर ऐड करके इसे माइक्रोवेव करेंगे 1 मिनट के लिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो हमारी चॉकलेट बिल्कुल स्मूथ होके मेल्ट हो जाएगी। ध्यान रहे माइक्रोवेव का टेम्परेचर फुल नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, नहीं तो चॉकलेट हमारी जल भी सकती है। अब हम इसे चम्मच की सहायता से अपनी कुकीज पे स्प्रेड करेंगे। मैं चॉकलेट को चम्मच की सहायता से स्प्रेड करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हर किसी पे ज्यादा टूल्स नहीं होते हैं घर में इजिली से, तो हम इसे चॉकलेट को चम्मच की सहायता से बड़ी आसानी से स्प्रेड कर देंगे और इसे स्प्रिंकल्स और अपनी क्रैनबेरीज के चंक्स, पाइनएप्पल के चंक्स से हम डेकोरेट करेंगे। अब ये मैं चॉकलेट स्प्रेड कर रही हूँ और इसे भी मैंने डेकोरेट कर लिया है। इसी तरह से हम अपनी सारी कुकीज को डेकोरेट कर लेंगे और अब इनको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। हम इन कुकीज को 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि हमारी चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। ध्यान रहे हमें बहुत ज्यादा देर फ्रिज में नहीं रखना है। हमारी कुकीज बिल्कुल सूख चुकी है। बिल्कुल सूखने के बाद ही हम इनको राखी की फॉर्म में शेप करेंगे। यहाँ पर एक प्लास्टिक फूड रैप ले लिया है, इसकी सहायता से ही अपनी कुकीज को हम राखी की शेप देंगे। मैंने इस प्लास्टिक फूड रैप को अपनी किचन टॉप पे बिछा लिया है और इसके स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं, जिस तरह से मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब हम अपनी कुकीज को उल्टा कर देंगे, उसके बाद उस पे चॉकलेट लगाएंगे और उसके बाद हम इसमें कलावा लगा देंगे। चॉकलेट से हमारा कलावा उस कुकीज पे अच्छे से चिपक जाएगा, फिर हम इस फूड रैप को भी उससे अच्छे से पैक कर देंगे। चॉकलेट की सहायता से हमारा ये फूड रैप चिपक जाएगा और ये हमारी कुकीज को खराब भी नहीं करेगा
और ये हम बाद में निकाल भी सकते हैं। फूड रैप अच्छे से एंड में पैक नहीं हो रहा तो एक पीछे से सेलो टेप भी लगा सकते हैं छोटा सा। ये फूड रैप हमारी कुकीज को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हमने यहाँ पे फूड ग्रेड की पॉलिथिन का ही इस्तेमाल किया है। ध्यान रहे आप भी राखी बनाते वक्त इस फूड ग्रेड पॉलिथिन का ही इस्तेमाल करें। इस तरह से हमारी राखियाँ बनकर बिल्कुल तैयार है। यदि आपको हमारी ये एडिबल राखी कुकीज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।